राइटिंग कैसे सुधारें। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है, आप भी चाहते हैं कि आप अपना राइटिंग सुधार लीजिए, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा और आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग पे। आपने मुझे बहुत कमेंट किया है कि सर आपका राइटिंग अच्छा है, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आपका राइटिंग ये है वो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका भी राइटिंग अच्छा बना दिया जाए। तो आज हम आपके राइटिंग सुधारने पे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि राइटिंग सुधारना क्यों जरूरी है, ऐसा कौन सा राज छुपा है राइटिंग में जो हम सुधारें। डॉक्टर भी तो लिखते हैं, उनका राइटिंग तो बिल्कुल सुधार नहीं होता है। तो बाबुआ मैं आपको समझा दूं कि अगर आप एग्जाम में पेपर देते हो तो वहां पे आपका नाम, आपका चेहरा नहीं देखा जाता है, आपका राइटिंग देखा जाता है। अब मान लो कि सोनालिया बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका राइटिंग जो है छुछुंदर जैसा है, अपने सुंदर है और राइटिंग छुछुंदर है, तो राइटिंग पे देख के ही उसका नंबर मिलेगा, ना कि उसका शक्ल स्कोर देख के मिलेगा। सोनालिया बहुत खूबसूरत लड़की है, इसको 10 नंबर दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां आपका राइटिंग दिखा जाएगा, आपका राइटिंग कैसा है, और राइटिंग से ही पता चलता है कि स्टूडेंट पढ़ने में कितना तेज है। राइटिंग से ही पता चलता है, क्योंकि एग्जामिनर को उतना जांचने का टाइम नहीं होता है, वो देखता है राइटिंग सुंदर है, लिखावट अच्छा है, लिखने का ढंग अच्छा है, वो नंबर बैठा देता है, बिना पढ़े नंबर बैठा देगा अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो। तो चलिए जान लेते हैं कि राइटिंग सुधारने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वाकई राइटिंग सुधर सकता है। देखिए, राइटिंग सुधारने पे तो ऑलरेडी काफी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको वो जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे सच में राइटिंग सुधारी जा सकती है, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखी है जिसमें बताया जाता है कि आप कलम को ऐसे पकड़ें, आप ऐसे बैठें, आप ऐसे लिखें, मतलब जितने बताए गए हैं सारे के सारे बकवास है, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि मैंने अपनी राइटिंग जो सुधारी है उसका जो मेन राज है, कोई राजबाज की बात नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा राइटिंग सुधरा है नोट्स बनाने से। जी हाँ, यही एकमात्र रास्ता है कि आप नोट्स बनाइए और आपका राइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। मेरा राइटिंग सुधारने में अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा समर्थन करने वाला बोलूंगा तो वो मेरे दोस्त हैं। जब हम 9th क्लास में पहुंचे थे तब हमने नोट्स बनाना शुरू किया था, उसके पहले मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा था। फिर हमने नोट्स बनाना शुरू किया और हम दोस्तों के बीच में कंपटीशन होता था कि किसका नोट्स सबसे सुंदर और अच्छा होगा। तो हम जो है जी जान लगा के खूबसूरती के साथ बहुत मन तन से उसको लिखते थे और नोट्स को बनाते थे। तो इस प्रकार से नोट्स बनाते बनाते, कंपटीशन होते होते, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हम सभी दोस्तों का राइटिंग इंप्रूव होता गया। तो इस प्रकार से आप राइटिंग सुधार सकते हो। अब आप कहेंगे कि सर कोई टिप्स वगैरह नहीं है, हम आपको कुछ टिप्स बता सकते हैं जिसको फॉलो करके आप राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। अगर आप खेल के मैदान में उतरोगे ही नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला पकड़ोगे ही नहीं, तो आपको क्रिकेट खेलने आ जाएगा? जी नहीं। आप चाहे कितना क्रिकेट के बारे में पढ़ लो, सीख लो, वीडियो देख लो, ट्रिक देख लो, फिर भी आपको क्रिकेट खेलने नहीं आएगा जब तक कि आप फील्ड में उतरोगे नहीं। उसी प्रकार से राइटिंग तभी सुधरेगा जब आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है? लिखते लिखते राइटिंग सुधर जाता है। हाँ, कुछ टिप्स है जो फॉलो करके कुछ राइटिंग को इंप्रूव किया जा सकता है, तो देख लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स, ठीक है? बहुत ही सिंपल से टिप्स बताऊंगा और जेन्युइन काम करने वाला टिप्स बताऊंगा। टिप्स नंबर 1, आपको शब्दों के बीच में गैप जो है रखने आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है इसमें जो है शब्दों के बीच में बराबर गैप है। गैप का मतलब उतना ही गैप दे जितना जरूरी होता हो। तो मैंने यहाँ पे बराबर गैप दिया है और साथ ही साथ आपको गैप का यूज करने भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे गैप दिया है, यहाँ भी गैप दिया है और यहाँ भी गैप दिया है, और जो सेकंड सेंटेंस लिखा है मैंने गैप के जस्ट नीचे शब्द लिखा है, यानी कि गैप को हम फिल भी किए हैं। यहाँ गैप दिए, इसको फिल के इससे, यहाँ गैप दिए, इसको फिल के इससे, यहाँ पे गैप है, इसको फिल के इससे। तो आपको गैप रखना भी आना चाहिए और गैप को कैसे यूज करेंगे उसका भी उपयोग करने आना चाहिए। तो मैंने इस प्रकार से गैप दिया है, उसका यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे तो इस गैप को फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, यानी गैप को भी बराबर फिल करते रहिए। इससे आपको क्या होगा कि ज्यादा गैप दिखेगा भी नहीं और आपका राइटिंग जो है साफ सुथरा और साफ साफ पढ़ने में अच्छा जो है साफ साफ दिखेगा।
ठीक है, तो ये होता है। सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने ज्यादा गैप नहीं दिया है, इसे जो है देखने में आप ही बताइए कि इसमें आपको कौन ज्यादा अट्रैक्टिव, आसान और साफ सुथरा लग रहा है। आपको जाहिर सी बात है ये साफ सुथरा लग रहा होगा, पढ़ने में आसान होगा क्योंकि इसमें गैप दिया हुआ है, यानी कि ये जो है बहुत ही आराम से हम पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छा जो है साफ साफ दिख रहा है। इसमें जो है ज्यादा नजदीक होने के कारण जो है हौच पौच हो जाता है, जिसको पढ़ने में आसानी नहीं हो पाती है। तो आपको बराबर गैप देना चाहिए, यानी गैप का प्रयोग करने आना चाहिए। टिप्स नंबर टू, हम देखते हैं कि हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं या हम खुद ऐसा लिखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं या बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं। कई बंदे क्या होते हैं, ये काम करते हैं कि जब ये हिंदी का पेज है, मान लो हिंदी नोटबुक का पेज है, तो हम इसका पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं यहां तक, कोई कोई बंदे तो और पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं, और कई बंदे होते हैं जो आधा से कम में इसको समाप्त कर देते हैं। तो ना ही आप बड़ा लिखो ना ही छोटा लिखो, एक एक पल के लिए छोटा तो चल सकता है, अगर आप कॉपी ये है नोटबुक ये है तो आप इसका ये छोटा छोटा अच्छा लिखते हो, यानी कि आधा के कम में ही समाप्त कर लेते हो अपना अक्षर, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े लिखते हैं, पूरा जो है इसका यूज कर लेते हैं, पूरा लाइन का ही यूज कर लेते हैं, उनकी राइटिंग और लगती है। तो आपको ना ज्यादा बड़ा में चलता है न ही ज्यादा छोटा में चलना है, आपको मिडिल चलना है, यानी कि जब आप अच्छा लिखो तो आपका जो आधा हिस्सा है उसमें जो है पूरा आ जाए और आधा हिस्सा छूट जाए, ताकि हम ऐसे लिखें तो वो जो है काम आए, या ठीक है। और जब हम नीचे वाला लाइन लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि मैं, जब यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा तो इसका जो ऊपर जाने वाला है उसके लिए भी स्पेस बचे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, फिर से अगर मुझे लिखना होता कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो ये जो मैं जाएगा ये इसमें जाएगा और ये यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। अगर किताब लिखूंगा ऐसे तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। तो हमें ये जो है गलती नहीं करनी है, ज्यादा बड़ा लिखोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला आकर मिल जाएगा और फिर ये राइटिंग को गंदा बना देगा। तो आप ज्यादा बड़ा तो बिल्कुल नहीं लिखें, अगर आपका राइटिंग बहुत छोटा छोटा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लें। और नहीं तो आपका राइटिंग मीडियम में है तो सही है, क्योंकि मीडियम लिखोगे आपको ऊपर के लिए भी जगह मिलेगा, नीचे के लिए भी जगह मिलेगा। तो हमारा सेकंड जो टिप्स है वो है कि अक्षरों का आकार जो है वो सिंपल रखें, सामान्य रखें, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं। तीसरा जो टिप्स है वो है कि एक सवाल है कि कलम को कहां पकड़े। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई बंदे छोटे लिखते हैं और कोई बंदे बड़े लिखते हैं, तो ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि आप कलम को, मार्कर को, चाहे जिस चीज भी आप लिखते हो, कहां पकड़ते हो। देखिए अगर ज्यादा ये जो मार्कर है, अगर इसके पॉइंट है उससे ज्यादा नजदीक जाएंगे तो राइटिंग छोटा हो जाएगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। मैं पॉइंट के बिल्कुल नजदीक पकड़ूंगा, राइटिंग बिल्कुल छोटा जाएगा अपने आप, क्योंकि ज्यादा हाथ जो है फैल नहीं पाता, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, छोटा छोटा लिखाएगा, ठीक है, अपने आप छोटा हो जाएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने पकड़ा ही जो है वो गलत तरीके से पकड़ा है। मैं किताब पढ़ता हूं ऐसे, आप अगर ज्यादा नजदीक पकड़ोगे राइटिंग खुद ही छोटा जाएगा, अगर आप ज्यादा दूर पकड़ लोगे तो राइटिंग खुद ही बड़ा हो जाएगा। मैं देखिए राइटिंग खुद ही बड़ा हो जाता है अगर आप ज्यादा दूर पे पकड़ लेते हो तो आपको क्या करना है, आपको मिडिल लेकर चलना है, यानी कि आपको मध्यम मार्ग चुनना है, आपको ज्यादा दूर नहीं ज्यादा नजदीक नहीं, सिंपल सा, जहां पे इसका निब जो है शुरू होता है यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए इसका ब्लैक मार्क जो ब्लैक कलर का दिया हो ना, यहाँ पे आपको पकड़ना है। अब आपके पास तो मार्कर नहीं है, आप मार्कर से तो लिखते नहीं हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां पे आपको मतलब जस्ट थोड़ा सा आगे, मतलब एक कह सकते हैं एक इंच का जो है वो फासला होना चाहिए, तो यहाँ पे पकड़ेंगे, राइटिंग जो है खुद ही अपने साइज में आ जाएगा, ठीक है, राइटिंग जो है खुद ही अपने साइज में आ जाता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, देखिए तो मेरा राइटिंग कैसे खुद ही इसके साइज में आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको बीच में पकड़ा, न ज्यादा आगे पकड़ा न ज्यादा पीछे पकड़ा, बीच में पकड़ा, इसलिए राइटिंग भी जो है वो सामान्य आकार का हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्यादा छोटा राइटिंग है आप उसको सामान्य करना चाहते हो थोड़ा सा दूर पकड़िए, अगर आपका ज्यादा बड़ा राइटिंग है और उसको सामान्य करना चाहते हो आप थोड़ा सा आगे पकड़िए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर टिप्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर फोर है कि धीरे धीरे लिखे। जब आप स्पीड में लिखते हो तो अपने आप राइटिंग खराब हो जाता है, जैसे मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, मैं लिखता हूं राइटिंग कैसे सुधारे, राइटिंग कैसे सुधारे, ये मैंने फटाफट लिखा
स्पीड में लिखा, ठीक है, राइटिंग कैसे सुधारें। अगर इसी चीज को मैं आराम से लिखता हूं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिखेंगे राइटिंग कैसे सुधारें, तो कितना बढ़िया तरीके से लिखाता है, आराम आराम से लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आराम से लिखा, ये जल्दी से लिखा, और जल्दी लिखोगे राइटिंग और खराब हो जाएगा, और जिसका खराब है उसका क्या खराब है, उसका तो और खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर मुझे राइटिंग तो सुधारना है लेकिन साथ में धीरे धीरे लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे तो राइटिंग इंप्रूव होता है, राइटिंग सुधर जाता है, लेकिन जब आपका राइटिंग एक बार सुधर गया फिर आप उसको धीरे धीरे स्पीड लाइए, मतलब कि जब राइटिंग सुधर गया है फिर आप उसको स्पीड में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आपने राइटिंग सुधारा है, तो प्रैक्टिस करके आप स्पीड भी सुधार सकते हैं। तो ये हमारा टिप्स नंबर 4 है। टिप्स नंबर 5, ये जो टिप्स है वो एक लेवल एडवांस टिप्स है, यानी कि शुद्ध शुद्ध लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर शुद्ध लिखते हो तो राइटिंग जो है अपने आप खूबसूरत दिखने लगता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, आपने कई बार देखा होगा कई बंदे लिखते हैं, और खुद मैं भी लिखता था, जैसे लिखना है हाँ, तो शुद्ध अगर हाँ लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ये होता है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं मुझे तो आता भी नहीं है अभी, मैं भूल गया। तो शुद्ध हा ऐसे होता है, ठीक है, आप पहले डा दो ऐसे, उसके नीचे से ये निकालो, ये होता है हा, ये शुद्ध हा है, यानी कि किताबों में ऐसे ही लिखा होता है। इसी प्रकार से हम दा लिखते हैं, दा कैसे लिखते हैं, शुद्ध दा अगर लिखना है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन आप ऐसे लिख देते हो, आप ऐसे लिख देते हो, ठीक है, तो ये जो है दा नहीं है, दा गलत है, आपको ये लिखना चाहिए। ये अगर आप सुधार पाते हो अपने राइटिंग में, इंप्रूव कर पाते हो, तो राइटिंग और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। ठीक है, मैंने बहुत बंदों को देखा है खा कैसे लिखते हो आप, अगर आपको खा लिखना है तो आप ऐसे लिखो खा, शुद्ध, जिसमें ये जो रा जैसा है और वा जैसा है दोनों मिला हुआ है। कई बंदे ऐसे लिखते हैं रा और वा और कहते हैं खा है, ये खा नहीं ये रव है, ठीक है, ये रा है और वा है, खा जब लिखना है तो आपको ये लिखना चाहिए, ये नहीं, ये खा गलत हो जाएगा। लेकिन हम जो है ध्यान नहीं देते हैं, हम जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में जो है लिख देते हैं। तो अगर आप शुद्ध शुद्ध लिखना शुरू कर दोगे तो राइटिंग की सुंदरता जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थे जिसे मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स वही है कि आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, आपका राइटिंग धीरे 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 खुद ही इंप्रूव हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।